You are listening to Sports Platters Live. Sports Platters, world's biggest sports radio channel. सबसे बड़े महाकुंभ ओलंपिक में होता है फास्टर, हाइयर और स्ट्रॉन्गर बनने का सबसे कड़ा टेस्ट, जहां पलक झपकते ही पलट जाती है पूरी बाजी, जहां जश्न और हताशा के बीच होता है सिर्फ एक माइक्रोसेकंड का फासला, जहां सिर्फ एक कंधे पर टिकी रहती हैं करोड़ों लोगों की उम्मीदें, जहां 200 देशों को पछाड़ने के बाद तिरंगा सबसे ऊपर लहराता है, उसी ओलंपिक के मैदान में बड़े बड़े सुरमाओं के गिरने और गिरकर फिर उठने की हर कहानी हम बताएंगे सिर्फ आपको। ये है सीटीएस ऑल्टियस फोर्टियस, ओनली ऑन स्पोर्ट्स फ्लैशेस, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्पोर्ट्स रेडियो चैनल। This is Sports Trivia. Sports Trivia. Only on Sports Flashes. भारत के पूर्व ऑलराउंडर रॉबिन सिंह का पूरा नाम रॉबिंद्र राम नारायण सिंह है और उन्होंने देश के लिए एक टेस्ट और 136 वनडे मैच खेले। This is Sports Trivia. Sports Trivia. Only on Sports Flashes. You are tuned into Sports Flashes Radio. And what a performance by the number 3 seed, Simon Awolf, who tomorrow will contest a third All England semi-final. Sports Flashes, world's biggest sports radio channel. At the grade level. It's a tough, mean, dirty, dirty business being a great cricketer. A lot of cricketers, you know, that's all they know. They've done it since they're 10 and they have a deep-seated fear of change. But the great cricket is all about being the most alpha version of yourself as possible, at all costs and at all times. I don't bat or bowl, I just feel a gully, count the number of dot balls in a row, sledge 15-year-olds, make me feel better about myself. Thanks, champ. Oh, no, you called me champ. शुरू होने जा रहा है खेलों की दुनिया का सबसे बड़ा मुकदमा। इजाजत है क्रिकेट में ये बाहर टीम पाकिस्तान क्रिकेट है जो ड्रॉप ऑफ अ हैट होली बुक निकाल लेते हैं। शुएब अख्तर उस सेमीफाइनल में अगर 70-75% भी होते तो मैं चांस ले लेता। 70% फिट हो वो क्या थर्मामीटर लेके बैठे होते। ये चीज हमने जावेद मियांदाद से सीखी हुई है, मुश्किल हालात हो तो जाके बॉलर को ना तंग करना शुरू कर दो। कौन सा ऐसा भारतीय बॉलर था जिसके खिलाफ बैटिंग करते हुए मिसबाउल हक बहुत इंजॉय करता? देखा मैं हरभजन सिंह। ये लोग दिखेंगे लाना टीम के ऊपर। इस नेशन को आप खुश नहीं कर सकते स्पोर्ट्स में। जीते रहो तो ठीक है, ना जीतो तो उसके बाद ऐसा लताड़ते हैं कि लिहाज ही नहीं करते। दिस इज अ स्पोर्ट्स फ्लैशेस प्रोडक्शन। लिसनिंग टू स्पोर्ट्स बीट विद मी यानी कि आरजे गौतम। ये है स्पोर्ट्स फ्लैशेस, वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्पोर्ट्स रेडियो चैनल। स्पोर्ट्स फ्लैशेस, एवरीथिंग अबाउट स्पोर्ट्स। हेलो, हाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने शो में जिसका नाम है स्पोर्ट्स बीट। मैं हूं आरजे गौतम और आप मुझे सुन रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लैशेस रेडियो पर। स्पोर्ट्स फ्लैशेस रेडियो, वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्पोर्ट्स रेडियो चैनल। इस वक्त आपको पता है कि सुबह का ये वक्त हो जाता है जब हमारे साथ एक क्रिकेटर यहाँ पे होते हैं और हमारे साथ आज यहाँ पर है वेरी टैलेंटेड और मुंबई रणजी टीम के प्लेयर हैं मिस्टर विक्रांत। विक्रांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, थैंक यू। विक्रांत जी, एक बात आप मुझे बताइए कि आपका जो क्रिकेट का जर्नी है वो कहाँ से शुरू हुआ? मेरा एक्चुअली जर्नी शुरू हुआ मैं जब 9 साल का था जी, तो मैं पहली बार गया था प्रैक्टिस के लिए। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स मुझे कहते हैं कि मैं जब 6 महीने का था तभी मैं पेपर वर्क से शुरू किया था खेलना। तो पहले से अंदर था कि क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट अंदर पहले से था, तो इट वॉज जस्ट की स्टार्ट करना है। अच्छे, ग्रेट, ग्रेट। तो आपने मतलब पेपर बॉल से शुरू किया आपने खेलना, उसके बाद जब आप ग्राउंड पे आप किस तरह मतलब कि आप स्कूल की टीम से खेले या फिर घर में आपके डैड आपके साथ क्रिकेट खेलते थे, तो ये शुरुआत कैसे हुआ मतलब वहाँ से? शुरुआत में पहली बार शिवाजी पार्क गया था।
स्किप कर दो, उनके पास पहली बार में गया था तो एक बार उनके पास था मैं, उसके बाद मैं नरेश शुरू करके पास गया जो मेरे स्कूल के कोच है, क्योंकि मैं पहले से ही कार्याश्रम में था तो मैं उनके पास गया और फिर स्कूल से पूरा उधर ही चला मैं। मेरा स्कूल का जो भी था स्टडीज और क्रिकेट कम्प्लीट का टाइम तक उधर ही था। ओके ग्रेट ग्रेट। तो घर वाले मतलब होता है ना कि आज बहुत से पेरेंट्स ऐसे कि नहीं तुम क्रिकेट नहीं खेलोगे या फिर तुम पढ़ाई करोगे, तो ऐसा नहीं कभी हुआ कि विक्रम तुम अच्छी पढ़ाई करो कुछ गेट अ गवर्नमेंट जॉब, तुम क्या क्रिकेट के पीछे जा रहे हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं था घर से, एक्चुअली क्रिकेट के लिए मुझे सपोर्ट अच्छा था घर से। ओके। और ऐसा भी था कि मैं पढ़ाई भी कर लेता था, जो भी था मेरा पढ़ाई मैं पूरा कर लेता था, तो घर से इतना फिर प्रेशर नहीं था कि क्रिकेट नहीं खेलना है पढ़ाई करो। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि मुझे परसेंटेज भी अच्छी मिलते थे, मैं पढ़ाई भी करके था। वेरी गुड वेरी गुड। ये परसेंटेज वाला बात अच्छा था आपका। तो फर्स्ट क्लास डेब्यू आपने किया 14 दिसंबर 2018 को, है ना? तो उस मैच के बारे में कुछ अपनी यादें ताजा कीजिए। वो अब तक का बेस्ट मोमेंट था मेरा क्रिकेट में। एवरीवन ड्रीम इज टू प्ले फॉर मुंबई, बिकॉज इतने सारे प्लेयर्स हैं जो ड्रीम कर रहे हैं मुंबई की खेलने के लिए। आई थिंक इट वॉज द बेस्ट मोमेंट एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू एंजॉय इट। ओके। तो करना चाह रहा था, एंजॉय करना चाह रहा था, जो भी अपना बेस्ट दिन देखा मैंने। और हाईएस्ट स्कोर आपका 57 रन था। यस एग्जैक्टली। तो जब आप ग्राउंड पे उतरे, काफी बॉलर जो होते हैं बड़े खूंखार बॉलर होते हैं, मतलब डोमेस्टिक लेवल में भी, तो कैसा लगा यार? कुछ ऐसा डर या फिर कुछ ऐसा आप नर्वस हुए? नहीं नर्वस ऐसा कुछ था नहीं, क्योंकि इवेंचुअली बैट और बॉल का ही गेम है, थोड़ी हमें लड़ना है किसी के साथ, तो बैट और बॉल का ही गेम है। डर ऐसा नहीं था, खुश थी कि मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मुंबई को, अपना बेस्ट दूं और जीताऊं। कैसा लगा था पहली बार जब बड़े लेवल का आपने क्रिकेट खेलकर आपको वापस आए और होती एक फीलिंग वाला, वो फील कैसा था आपका? फील तो बहुत अच्छा था, क्योंकि लोग बहुत प्रेस करते आपको, अच्छी बातें करेंगे, सपोर्ट भी अच्छा था, फ्रेंड फैमिली सबका सपोर्ट अच्छा था, एवरीबडी वाज देयर टू वॉच द मैच, तो सपोर्ट एक अच्छा था, फील अच्छा था कि सब आ रहे हैं सपोर्ट कर रहे हैं चीयर कर रहे हैं, तो फील अच्छा था। और ऊपर से आई वाज फेसिंग हार्दिक पांड्या टू बॉल इनिशियली, वो एक अच्छा था कि अच्छा इंडिया का प्लेयर खेल रहे सामने। ओके। तो हार्दिक पांडे को कितने रन आया आपने? जो भी रन शायद मैंने वो इनिंग में किए उसके अगेंस्ट ही किए थे। ग्रेट ग्रेट। तो आपने क्रिकेट ही क्यों चुना वैसे विक्रांत? बोला आपको पहले से ही मेरे अंदर क्रिकेट ही था। अच्छा। मेरे को जब समझ नहीं रहा था 6 महीने का, तब भी मेरे अंदर वो था कि मेरे को क्रिकेट खेलना है। बचपन से और कैसे आपने देखते आए, दादा मेरा पहले फेवरेट था बहुत। अच्छा। सौरभ गांगुली जैसे वो खेलते थे, क्योंकि काफी दूर से आते थे ग्राउंड में, बहुत फेवरेट थे मेरे, उनको देख देख के फिर और बढ़ गया, फिर मैं पीछे ही पड़ गया घर पे, जाना ही है। तो एक बार दादी लेके गए मुझे, बोले आप इसको तो लेके जाना ही है, नहीं तो हमें छोड़ेगा नहीं। तो सही है, सबने सपोर्ट भी किया आपका। तो इससे एक छोटा सा क्वेश्चन और उठता है यहाँ पे कि जैसे आपने बताया दादा आपके फेवरेट है, तो अगर आप लाइफ में किसी क्रिकेटर के अंडर खेलना चाहेंगे तो वो कैप्टन कौन सा होगा, और आपकी अपनी टीम ऐसी कौन सी आप सोचते हैं कि मैं इस टीम में जाऊँ, कौन कौन से क्रिकेटर्स हैं वो? मुझे लगता है कि मैं MS धोनी के अंडर खेलना चाहूंगा। उनको पता है कि किस प्लेयर से उसका बेस्ट कैसे निकालना है, थोड़ा सा लीडर ही जो है, लीडरशिप क्वालिटी तो है मस्त। और ऐसा कोई बॉलर जिसको आप चाहते हो कि मैं एक बार इसके लिए इसके अगेंस्ट खेलूंगा? स्पेशली बोलूंगा तो
केएल नेगरा ओके बिकॉज बहुत कंसिस्टेंट है स्टाइल एंड लेंथ इज वेरी मच कंसिस्टेंट सो इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ पेशेंस फॉर यू ऐसे बॉलर्स को इजी नहीं होता टू गेट रन इजीली सो आई वुड लाइक टू प्ले हिम एंड केएल ओके और कुछ ऐसा कुछ बैटिंग में कुछ ऐसे पहले सोच के जाते हैं आपकी कौन से प्लेयर को कुछ होमवर्क करके जाते हैं आप जब आप ग्राउंड पे उतरते हैं कि मैं कौन से प्लेयर को कैसे खेलूंगा क्योंकि होमवर्क मैंने देखा है कि ऑस्ट्रेलियन टीम बहुत होमवर्क करती है फुट जो उनके होते हैं कि भाई कैसे वो रनिंग कैसे कर रहा है खेल कैसे रहा है वो किस पोजिशन में खड़ा हुआ खिलाड़ी है तो वैसे कुछ आपकी ऐसे कुछ होमवर्क तो सबका होता ही है कंडीशन क्या है बॉलर कैसे हैं उनके बैट्समैन कैसे हैं कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं उनके लास्ट मैच ऐसा चेंज हो जाएगा तो होमवर्क तो होता ही है सबका तो वैसे कुछ स्ट्रेटजी बनाते हैं आप कितने आप अगर आप जैसे लेफ्ट हैंडेड हैं और आप होता है कि लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड का कॉम्बिनेशन बहुत सही रहता है करना पड़ता है अगर रोटेट उतरेगा स्ट्राइक तो फील्डर को चेंज करना पड़ेगा उनका पोजीशन तो सामने वाली टीम से थोड़ा बहुत डिफिकल्ट फील होता है ओके तो जैसे मुझे पता है कि आप जो है राइट हैंडेड सारे काम खाना खाना बाकी सारे काम राइट हैंडेड करते तो बैटिंग लेफ्ट हैंडेड क्यों बैटिंग लेफ्ट हैंडेड इसलिए क्योंकि मेरे अंकल को बहुत पसंद है क्रिकेट और बचपन में उन्होंने मुझे वो आदत ही डाला था कि नहीं तुझे लेफ्टी ही बनना है अगर राइट टी में भी पकड़ लेता था तो वो मुझे नहीं तुझे लेफ्टी ही बनना है क्योंकि वो दबी देखते हुए कहा कि लेफ्ट हैंडर को ज्यादा उनको लगता है कि लेफ्ट हैंड को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलता है डिपेंड रहता है ना टीम में कि 11 में से ज्यादा लेफ्ट हैंडर नहीं रहते आखिर दो टीम या उतने रहते लेफ्ट हैंडर तो उनका वैसा सोचता इसलिए उन्होंने मुझे लेफ्ट हैंडर बनाया क्या बात है तो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन अपने आप में एक ये एक बड़ी अचीवमेंट होती है कि आप राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंड आप बैटिंग करने लग जाते हो आप एक प्रैक्टिस आपका वैसे चलता है तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि लेफ्ट हैंडेड बैटिंग में कोई प्रॉब्लम आती हो आपको क्योंकि यूजुअली आप राइट हैंडेड है आपने पिक किया है लेफ्ट हैंड को कुछ ऐसी प्रॉब्लम अभी फेस तो नहीं होती आपको कुछ नहीं ऐसी प्रॉब्लम तो कुछ फेस नहीं होती है हैबिट ना अभी मसल कैटेगरी में है उतना सब प्रैक्टिस उतना होता है तो ऐसा और लेफ्ट हैंडर का दिखने में अलग ही आता है लेफ्ट हैंडर क्लास थोड़ा अलग ही दिखता है हाँ ये है ये तो है तो अभी अपनी कुछ ट्रेनिंग कुछ कोचिंग के बारे में बताई कि कैसे कोचिंग शुरू हुई कहाँ से ट्रेनिंग शुरू हुई और कैसे आप रणजी टीम तक पहुंचे हैं हाँ मैं इनिशियली तो 9 साल का था तभी मैंने स्टार्ट किया था अजय जी सर के शिवाजी पार्क में उनके पास स्टार्ट किया 1 साल उधर था मैं फिर मैं मेरे सूरी सर के पास गया ओके 5th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड स्कूल तक पर अभी अभी तक मेरे गुरु वही है ग्रेट वो और अभी उमेश सर भी है मेरे साथ उमेश पटवल सर तो मैंने स्कूल सादाश्रम कंप्लीट किया सादाश्रम में कंप्लीट किया स्कूलिंग मेरा स्टडी तब और फिर रूपारेल में था मैं कॉलेज में टीवाई तक एक्चुअली 2017 में एक थोड़ा डिफिकल्ट पीरियड था मेरे लिए बिकॉज मेरा सर्जरी वगैरह हुआ था बाद में 2018 में इंजरी हुआ था मुझे ऑगस्ट 2017 में तो मुझे बोला था कि यू हैव टू डू अ सर्जरी शोल्डर सर्जरी बैंक रिपेयर था मेरा तो बट मैंने वो इंजरी लेके वो सीजन पूरा कंप्लीट किया था मैंने वो पूरा खेला था ऑगस्ट 2017 में मेरा वो MRI आया था फिर उसके बाद पूरा सीजन खेल के मैंने मई 2018 में सर्जरी किया था वो 2017 वाला पीरियड में मैं प्रोबेबल में था मुंबई के और फिर मैं टूर को गया था प्रैक्टिस टूर को हाफ सेंचुरी वगैरह किया था ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं हुआ था तभी मेरा बट वो सीजन मैंने पूरा खेला था मेरे ऑफिस के लिए वगैरह सब फील्ड वगैरह सब पूरा खेला था और फिर बाद में मैंने सर्जरी किया था सर्जरी आई वॉज नॉट कंसिडर दैट ईयर 2018 द प्रोबेबल नहीं बिकॉज मई 2018 में सर्जरी हुआ तो मुझे कंसिडर नहीं किया बिकॉज आई एम अंडर गॉन सर्जरी तो फिर बाद में मैं रिकवर जब हुआ नवम्बर 2018 में मैं स्टार्ट किया खेलना
ठीक है, आफ्टर द रिहैब स्ट्रेंथनिंग एंड ऑल. तो आई गॉट 300, वन टू डबल हंड्रेड एंड 100 इन कंसेक्यूटिव 3 गेम्स. तो फिर स्टार्ट करने के बाद मैं पहला मैच रिसीव किया, फिर 2 डबल हंड्रेड किया और एक 100 किया. तो फिर मुझे फिर कंसिडर किया कभी, बिकॉज आई वॉज नोइंग कि मुझे बड़ा ही करना है. आई वॉज नॉट देयर इन द रेकनिंग बिकॉज ऑफ माई सर्जरी. तो आई वॉज नोइंग आई नीड टू डू समथिंग बिग. तो फिर कभी कंसिडर किया मुझे. फिर उसके बाद भी मेरा वो जो कॉन्ट्रैक्ट का जो नाम था उसमें नहीं था. तो मेरे को स्पेशल नॉट लेना पड़ा जिसकी तरह से. और कभी मेरे को फिर कंसिडर किया इन द टीम. तभी मैंने डब्ल्यू किया था दिसंबर 14. ग्रेट, काफी स्ट्रगल आपने ये तो स्ट्रगल. हाँ, ये आपने तो ऐसी पारी खेल दी जैसे स्टीव स्मिथ ने खेली आके. वो यार बहुत एक्चुअली स्ट्रगलिंग था बिकॉज सर्जरी और वो सब था. हाँ, ये कि चलो स्टीव स्मिथ पे कुछ और चीजें थी, आपकी सर्जरी थी, लेकिन कम बैक होता है एक तो सबकी नजरें भी होती है कि अब ये क्या करेगा. और वहाँ पे आपने मुंह तोड़ जवाब दिया और वही जवाब आज आपका मतलब एक सही जवाब था जो आप आज टीम में हैं. अच्छा विक्रांत, कुछ ये बताइए कि कुछ ट्रेनिंग शेड्यूल कैसा रहता है आपका और कैसे आप अपने आप को फिट रखते हैं इसमें. आपका शेड्यूल बड़ा टाइट रहता होगा. शेड्यूल तो बहुत टाइट रहता है. अभी भी क्वारंटाइन में भी शेड्यूल टाइट है एक्चुअली. तो कैसा शेड्यूल है आपका. अभी क्वारंटाइन का बताने गए तो मैं सुबह उठकर मेरा जो भी मेंटल एस्पेक्ट का जो मेरा एक्सरसाइजेज है वो करता हूँ. फिर मेरा ड्रिल्स करता हूँ घर पे, बैटिंग ड्रिल. फिर जो भी मेरा डायरी में वो लिखता है आफ्टर दैट. फिर रेस्ट करता हूँ आफ्टरनून, थोड़ा रेस्ट खाना खा के रेस्ट करता हूँ. फिर इवनिंग में ट्रेनिंग होता है मेरा, जो भी वर्कआउट ट्रेनर से लेता हूँ. अभी वही मैं थोड़े टाइम पहले वही किया था मैंने. तो वो ट्रेनिंग फिर अभी शाम को सर के साथ हम लोग का वीडियो कॉन्फ्रेंस होता है 9 बजे रिगार्डिंग डिस्कशन ऑन टॉपिक रिगार्डिंग लाइव क्रिकेट एवरीथिंग. तो इट्स अ गुड गोइंग एक्चुअली. आई थिंक दिस क्वारंटाइन इज अ ब्लेसिंग फॉर मी. और इसमें कुछ डाइटिंग का भी कुछ रहता है, मतलब कुछ स्पेशल डाइट आपकी, कोई डाइट चार्ट फॉलो करते हैं आप इसके लिए फिट रहने के लिए, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन है तो सबसे नंबर वन पे आता है उनका फिटनेस. करेक्ट है. एकदम ऐसा मैं स्ट्रिक्ट डाइट नहीं करता हूँ, बट आई अवॉइड स्वीट्स एंड ऑल अवॉइड करता हूँ मैं. एकदम ऐसे स्ट्रिक्ट नहीं करता हूँ, बट आई अवॉइड स्वीट्स जो भी मेरे को बॉडी को क्या बोलते हैं बॉडी को शूट नहीं करेगा ना वो मैं नहीं खाता हूँ. अवॉइड मतलब आई रिमेम्बर कि लास्ट ईयर ड्यूरिंग रणजी ट्रॉफी मैंने 3 महीना स्वीट्स नहीं खाया था. नॉट अ सिंगल स्वीट, मतलब थोड़ा भी नहीं. तो वैसे पसंद तो होगा आपको स्वीट. पसंद तो बहुत है, बट तभी आपको याद है कि 3 महीने में नहीं खाया. कुछ करना पड़ता है. सही कहा, सही कहा. तो अब कभी ऐसा मतलब होता है कि कभी जीभ लफड़फड़ा जाती है कि चलो यार मुंबई के हैं तो कुछ ना, तो अगर कुछ नहीं है ना तो वहाँ का बेसिक टेस्ट, वो जो पाव में टेस्ट होता है, वड़ा में टेस्ट होता है, करेक्ट, उनके लिए तो जीभ लफड़फड़ा जाती है वहाँ पे. जीभ तो लफड़फड़ा जाती है, बट मैं अगर एक बार डिसाइड कर लूंगा कि नहीं खाना है तो फिर कोई भी कुछ भी रख दो सामने, मैं नहीं खाऊंगा. नहीं, अच्छी बात है, ये मिल पा रहा बहुत जरूरी है. अच्छा, तो विक्रांत अभी फ्यूचर के गोल्स क्या सेट किए हैं आपने, कि जैसे भी रणजी खेल रहे हैं आप आगे आगे फ्यूचर के गोल क्या सेट किए हैं आपने. फ्यूचर का गोल ये है कि एक्चुअल गोल तो प्लेइंग फॉर इंडिया. वो तो सबका ही होता है, एवरीबॉडी वांट्स टू प्ले फॉर इंडिया. सही बात है. तो वही मैं अभी प्रोसेस, मेरा वही प्रोसेस में हूँ. रणजी ट्रॉफी में अच्छे रन करने हैं, ये साल जो भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी
I only just grabbed those opportunities. Take the most of it. अब तो विक्रांत ऐसा है कि जैसे पहले के समय में और अब के टाइम पे बहुत सारी चीजें बदली क्रिकेट में. पहले क्रिकेट में देखा जाए तो खेलने वालों को पैसा नहीं मिलता था. हाँ करेक्ट. अब आप रणजी वगैरह खेलते हैं तो वो सपोर्ट मिलता है वहाँ पे आपको. फाइनेंशियल सपोर्ट अच्छा मिल रहा है. मतलब लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग है टू क्रिकेट. बहुत सारे लोग अभी क्रिकेट अभी देखा जाए तो सब छोटा बच्चा दिखा तो बैट लेके दिखता है डायरेक्ट सीधा. कॉम्पिटिशन भी बढ़ा है. हाँ कॉम्पिटिशन भी बढ़ा है तो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है. अच्छा जॉब का भी अच्छा है मुंबई में. अगर गवर्नमेंट में मिला तो प्राइवेट में मिल जाता है. मेरा अच्छा है कि जॉब भी अच्छा मिला मुझे क्रिकेट की वजह से. मुंबई कर्पूस में हूँ तो एक जॉब भी अच्छा मिला. गवर्नमेंट जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब. तो ये जो चीजें हैं सारी ये कहीं ना कहीं हेल्प करती है. लेकिन इसके लिए मेहनत जो आपने की है अब ऐसे थोड़ी जॉब मिल जाएगा. अब जो मेहनत आपने की उसकी वजह से मिला है. तो आप उन लोगों को उन लड़कों को क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लड़कियों को भी जो अपना करियर क्रिकेट में बनाना चाहते हैं उन्हें क्या करवा चाहिए. करेक्ट. मुझे लगता है कि अगर वो क्रिकेट चॉइस कर रहे हैं तो दे शुड गो विथ फुल थ्रॉटल. मतलब पूरा जाना चाहिए कि मेहनत करना चाहिए कंप्लीट. बट ऐसा नहीं हो कि स्टडी छोड़ रहे. स्टडी नहीं छोड़ना है अपने को बिकॉज इट विल हेल्प यू एनी टाइम एनीवेयर. स्टडी तो कंप्लीट करना ही है बट क्रिकेट चॉइस कर रहे तो मेहनत पूरी लगा देनी चाहिए. पूरी लगन से मेहनत करो और एंजॉय करो. ऐसा नहीं कि आप खेलो आप मजा नहीं कर रहे. यू नीड टू एंजॉय ऑल्सो द गेम बिकॉज इट्स अ स्पोर्ट इवेंचुअली. यू नीड टू एंजॉय. जितना आप एंजॉय करोगे उतना बेहतर करते रहोगे. सही बात है. आपको एंजॉय करना बहुत जरूरी है. तो फिलहाल बात जो यही है कि देखो वक्त के साथ जो चीजें हैं वो बढ़ती जाती हैं विक्रांत. तो अभी आप मुंबई इंडियंस के लिए रणजी खेल रहे हैं. तो अगर आईपीएल वगैरह खेलने का कुछ ऐसा प्लान कुछ आपका कि भाई अभी आईपीएल खेलना है मुझे और उसके लिए कुछ आपने कुछ जुगाड़ किया. मतलब टाइप जुगाड़ इन द सेंस. मतलब समझा नहीं. मतलब इन द सेंस कि आईपीएल खेलने के लिए कुछ अप्रोचेस करने पड़ते होंगे आपको या फिर आपको डायरेक्ट अप्रोच किया जाता है. तो होता ना कि यार मुझे आईपीएल में जाना है तो आईपीएल भी एक अपने आप में बड़ा फेम है. तो कुछ वैसा माइंड सेट नहीं किया आपने अपना. हाँ माइंड सेट तो किया कि आईपीएल खेलना है इंडिया खेलना है. वो तो एक प्रोसेस में आएगा. मेरा ऐसा कि आई विल कीप वर्किंग टुवर्ड्स माय गोल इन विद द प्रोसेस. ओके ओके. तो प्रोसेस फॉलो करूंगा. ओके ओके. और मिलेगा धीरे धीरे सब. बहुत बड़ी क्योंकि अभी तो उम्र भी आपकी है काफी कम उम्र है. ज्यादा भी नहीं है इतनी. तो अभी तो वक्त एक बड़ा लंबा करियर है. बहुत क्रिकेट अभी आपको खेलना है. करेक्ट. तो वही है. तो आपका रोल मॉडल कौन है क्रिकेट के इंडस्ट्री में अगर देखा जाए क्रिकेट में. मेरे को एमएस धोनी बहुत पसंद है बिकॉज ऑफ थिंकिंग एंड द अप्रोचेस थिंग्स इन लाइफ एज वेल एज क्रिकेट. एमएस धोनी. यस. ओके. और आपकी फेवरेट क्या है बैटिंग या बॉलिंग. बैट्समैन भी तो बॉलिंग भी शायद आप करते होंगे. हाँ बॉलिंग में डालता हूँ ऑफ स्पिन डालता हूँ. अच्छा. तो फेवरेट पास क्या है आपका. मतलब कभी कभी अगर आपको मिले बॉलिंग करने को तो करेंगे. जैसे सचिन तेंदुलकर. करता हूँ मैं बॉलिंग में से ऑफ स्पिन डालता हूँ मैं. तो सचिन तेंदुलकर होता था ना कि जब मुझे याद है जब विकेट नहीं निकलता तो सचिन के हाथों में गेम थमा दिया जाता था. तो भाई तुम कुछ करके दिखा और वो विकेट निकाल देते थे. वही होता है. अच्छी बात है. तो आप थोड़ा बॉलिंग पे भी मतलब आप ध्यान देते होंगे अपने. यस बॉलिंग पे भी ध्यान देता हूँ. मैंने करते रहता हूँ ऑफ स्पिनर हूँ मैं. तो लेफ्ट में भी डालते रहता हूँ. मैच में भी मिलता है तो अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आई गिव माय बेस्ट. और विक्रांत ऐसा होता है ना कि ऐसे समय में क्योंकि टाइम ऐसा है आप टाइम मैनेज और शेड्यूल आपका बहुत टाइट रहता है. तो कभी ऐसा होता है कि चलो यार आज दोस्तों के साथ घूमने चलते हैं आज फिल्म देखते हैं आज पेंट डिस्क पब चलते हैं पार्टी करते हैं. तो वो वाले मोमेंट कब कब आते हैं आपके पास. वो वाले तो बहुत रेयरली आते हैं. दोस्तों के साथ बाहर जाना. डिनर तो जाता हूँ दोस्तों के साथ बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट टू एंजॉय विद फ्रेंड्स ऑल्सो. जैसे टाइम मिलता है जैसे अभी सुबह के वैसे मैं मिलता हूँ दोस्तों को.
अच्छा अच्छा, मतलब ये भी जरूरी है ना, क्योंकि बहुत बिजी हो जाएंगे तो थोड़ा सा ब्रेक भी जरूरी होता है। यस, थोड़ा ब्रेक जरूरी होता है। अच्छा तो ठीक है, तो कोई फेवरेट फिल्म है आपकी कोई, जिसे आप देखना पसंद करते हो? मैं भाव मिल्खा भाव देखना बहुत पसंद करता हूँ। अच्छा, कोई कोई रीजन उसके पीछे? रीजन होता है कि वो द वे ही वांट्स टू अचीव हिज गोल, मतलब वो ईगर होता है कि मुझे जीतना है, दौड़ना है। ओके, हाँ ये तो है, मैं बहुत बढ़िया। और जिस तरीके से वो वहाँ पे दिखाया गया है एक्सरसाइज करते हुए, और वो रील जो अंदर था, वो बारिश है, तूफान है, कुछ भी है, तो उसके ऐसा पता चलता है कि ये बंदा कुछ करेगा। ये तो है, नहीं आपको भी देख के लग रहा पता कि आप कुछ करेंगे। नहीं, बहुत जल्दी आप, मैं यही ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि जल्दी आप टीम इंडिया में आए, और जो रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर ने बनाए हैं, जो तारा ने रिकॉर्ड बनाए, उनको तोड़ते हुए आगे बढ़े। और चूंकि मैंने देखा है कि आपके बारे में, मैंने सुना है कि जैसे कि आपने डबल सेंचुरी भी आप लगा चुके हैं। और तो आपके लिए बस ये है कि आप जो फिटने वाले हैं ना, जो बॉलर, खैर नहीं है बॉलर की, तो जितने भी पेरेंट्स जो हैं, जो बच्चों को कह देंगे नहीं तुम्हें क्रिकेट नहीं खेलना है, अगर उनके बच्चों में टैलेंट है, तो उन पेरेंट्स के लिए कुछ क्या कहेंगे आप? इसका आई थिंक सपोर्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट है, घर से, फैमिली से, फ्रेंड्स से, बहुत मैटर करता है। मेरे को बहुत सपोर्ट मिला करते क्रिकेट, तो वो ज्यादा मैटर करेगा। अब की ओर बढ़ते हैं, तो क्रिकेट के अलावा और कौन सा ऐसा, कौन से स्पोर्ट्स है जो पसंद है आपको? मुझे किटी खेलना पसंद है बहुत। तो टेबल टेनिस में जब मौका मिलता है, तो क्योंकि हर एक क्रिकेटर का अपना अपना कोई साइड गेम भी होता है, बहुतों को फुटबॉल खेलना पसंद होता है। हाँ। तो टीटी में मतलब आप रेगुलर खेलते हैं? जैसे टाइम मिलता है दो तीन मिनट खेल लेता है, अभी उतना तो शेड्यूल इतना टाइट रहता है कि उतना नहीं मिलता खेलने, बट जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिलता है वो खेल लेता है दोस्तों के साथ। ग्रेट, तो ये क्वारंटाइन कोविड 19 की वजह से हो रखा है, तो एज एन क्रिकेटर और एज एन मतलब पर्सनल मैसेज आपका क्या रहेगा, क्योंकि आपको इंडिया और इंडिया के बाहर भी लोग सुन रहे हैं? करेक्ट, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टाइम आया है सब पे, ये बहुत डिफिकल्ट टाइम है, और अपने को अंडरस्टैंड करना इम्पोर्टेंट होता है लोगों को। तो इम्पोर्टेंट टू सिट होम, स्टे सेफ, पर सबको ये बोलना जरूरी है एक दूसरे से कि आप घर में रहो, बिकॉज मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि दे आर रोमिंग आउट, घूम रहे, बातें कर रहे, मिल रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि घर में रहो, सेफ रहो, थोड़ा टाइम है, चला जाएगा, दिस टाइम विल पास, बट पेशेंस रखना बहुत जरूरी है लाइफ में, कहीं भी हो, पेशेंस इज वेरी इम्पोर्टेंट। सही बात है, मैंने देखा है लोगों को कि लोग सड़क खाली है तो स्कूटी लेके निकल रहे हैं, ये देखने के लिए सड़क खाली, सड़क पे स्कूटर चला के कैसा लग रहा है। तो अब पुलिस वाले क्या करेंगे, वो तो मतलब मारना नहीं चाहते, फिर भी तो डंडे से, वो डंडे से बैटिंग कर रहे हैं, पड़ जाती है उनको, वो अलग इनिंग चली गई उनकी वहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रांत आपका, और ऑल द बेस्ट आगे आपके करियर के लिए। थैंक यू, नाइस। बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात करके, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो फिलहाल अभी यहाँ पे इजाजत चाहूंगा, और आप सभी लिसनर्स को बता दूं कि आप सुन रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लैशेस रेडियो, मैं हूँ आरजे गौतम, और अभी जो है बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। तो हमारा जो ये खास बातचीत थी हमारे खास मेहमान तुषार देशपांडे जी के साथ, यहीं पे आज इसको खत्म करते हैं। स्पोर्ट्स फ्लैशेस, एवरीथिंग अबाउट, ये श्राप है दूसरी दुनिया से न आया ये पूरे कर्मों का हिसाब है, सवाल में जवाब है हर फिल्म का मिला ये, कई जान की जान के जान ली जनजाति का ये अब जनता पे जमान है, नया नया सा ये राज जिसका ना इलाज इसका ही तो राज, दिमाग पे दबाव घर कितने बर्बाद और कितने होने बाकी, घर छुपके बैठो बाहर आई मोटी वाली आंधी है, पहले ना सोचा खाते गए जिंदगी किसी और की और ठेले पूरी जनता ये अपना बनता, कुछ गलती पड़ी कितनी भारी, नाचे बिछड़ी कितनी सारी, ना जाने बिछड़ी कितनी भारी, बस मेरी यही सलाह कर्म पे ध्यान दो, कर बोलती लेकिन उसे ज्ञान लो, ध्यान तो ना जान लो, इसको ना समझ, ना रिपीट पे डाल लो, लॉकडाउन योरसेल्फ, करो योगा, लंबी लंबी सांस लो।
मैं हूँ कोरोना, तुम मुझसे डरो हाँ, घर में छुप के बैठो वरना मुझसे मरो हाँ, मैं हूँ कोरोना, तुम मुझसे डरो हाँ, घर में छुप के बैठो वरना मुझसे मरो हाँ, मैं हूँ कोरोना, तुम मुझसे डरो हाँ, घर में छुप के बैठो वरना मुझसे मरो हाँ, मैं हूँ कोरोना, तुम मुझसे डरो हाँ, घर में छुप के बैठो वरना मुझसे। जय हिंद दोस्तों, मैं घर पर हूँ और सुरक्षित हूँ। मैं चाहूंगा कि आप भी अपने परिवार के साथ घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद। प्रधानमंत्री के अगले आदेश तक मैं और मेरी फैमिली लॉकडाउन है। ड्यू टू द लॉकडाउन मोदी जी, आप आदेश दीजिए, मैं उसका पालन करूँगी। हैशटैग कोरोना खत्म करो ना, हैशटैग कोरोना खत्म करो ना। अरे यार, हैशटैग कोरोना खत्म करो ना। Listening to Sports Beat with me, यानी कि RJ Gautam. ये है Sports Flashes, World's Biggest Sports Radio Channel. Sports Flashes, everything about sports. You are listening to Sports Flashes Radio. मैं हूँ RJ Gautam, आरशियों का नाम Sports Beat, और स्वागत एक बार फिर से आपका। बज चुके हैं 9 और ये वक्त हो जाता है जब हमारे साथ यहाँ पे होते हैं एक और मेहमान। यहाँ वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ आज हैं मिस्टर सहदेव जी, सहदेव यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है सहदेव जी आपका, और कुछ अपनी ही जुबानी बताइए हमारे लिसनर्स को अपने बारे में। ये जो मुसीबत की घड़ी है, इसमें हमें सबको जो हमारे आदेश हुआ है प्रधानमंत्री जी का, उसका पालन करना है। वो पालन इसलिए करना है, वो ये भलाई सबके लिए है, पूरे देश के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए। यादव जी, आप इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, तो ये जो आपकी जर्नी है वो कहाँ से शुरू हुई सर? मेरी जर्नी, मैं पहले मैं एथलेटिक्स में था जी, और मैं हिम्मत शो करता था। उसके बाद मैं वेट लिफ्टिंग में 2009 में जब ये कंट्री बैन हुआ था डॉप के मैटर में, तो तब मुझे इसमें लाया गया था कि कॉमनवेल्थ गेम्स होने से इंडिया में, तो पूरी बॉडी को हटा के नई बॉडी बनाई गई थी, तो उसमें मुझे उस टाइम पर सेक्रेटरी जनरल बनाया गया था। तो फिर हमने इसको संभाला और कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया में जब 2010 में हुए तो कराए थे हमने। या तो जी कुछ अपने बारे में बताइए, अपने बचपन के बारे में, अपनी अर्ली लाइफ के बारे में। मैं गांव में पढ़ा बड़ा हुआ हूँ। कौन से गांव में जी? मेरा गांव बागपत में है जी, बागपत में सहरभर गांव है, सहरभर जी। तो वहीं मेरी एजुकेशन हुई और वहीं मैंने स्पोर्ट्स शुरू किया, और वहीं मैं पढ़ा हुआ बड़ा हूँ। तो मेरे फादर बेसिकली इंजीनियर थे इरीगेशन में जी, उनकी पोस्टिंग बाहर रहती थी, हम लोग सब गांव में रहते थे, तो वहीं हमारी सब एजुकेशन, सब हम बड़े हुए हैं। उसके बाद हमने कस्टम ज्वाइन किया, कस्टम डिपार्टमेंट में रहा हूँ, करीब 35 साल नौकरी मैंने वहां भी की है जी। यादव जी, ये जो बागबत मुजफ्फरनगर का जो एरिया है, इसके आसपास के जो एरिया है, यहाँ से बहुत से टैलेंटेड लोग सामने आए हैं, और यहाँ देखा जाए तो क्राइम सिटी भी कहा जाता है इस एरिया को, जो नजदीक एरिया है। बेसिकली क्राइम, आप ठीक है, क्राइम सिटी तो है, क्योंकि रात के टाइम पे मुझे भी अपने गांव जाते हुए डर लगता है। रात के टाइम में कभी भी जाता हूँ, और मुझे वास्तव में मैंने कई घटनाएं देखी है कि लूटपाट तो अब भी है, पहले भी थी। इसका मेन कारण पता क्या है? बेरोजगारी जी, हाँ। और बेरोजगारी, लोगों के पास काम नहीं है जी, शिक्षा भी नहीं है जी, और फिर उनको मोटिवेट करने वाला कोई नहीं है जी, 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 जी। जैसे हमने अपने गांव में अभी मैं तो हेमंत शो करता था, जब मैं वेट लिफ्टिंग में आया तो हमने सोचा कि वेट लिफ्टिंग को अपने गांव में भी हम शुरू कराएं जी। तो हमने बात की लोगों से, सबसे की, तो लोगों ने, कोई वेट लिफ्टिंग के बारे में जानता नहीं था जी। फिर हमने वहां पर अपनी जमीन में अपने एक हॉल बनवाया, और उसमें पूरा वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी हमने दी है,
अब देखिए एक साल हुआ है अभी, 80 बच्चे वहाँ ट्रेनिंग करते हैं। ग्रेट, और 80 बच्चों में 40 लड़कियां हैं, 40 लड़के हैं, और हर मजहब के लोग हैं। ये नहीं कि मैं यादव हूँ तो यादव गांव में यादव ही है, हर मजहब के लोग वहाँ हैं। वो एक खेल मंदिर ऐसा हमने मैंने देखा कि इतना प्यार उन बच्चों में। पहले मैं देखता था बड़ी छुआछात होती थी कि अभी इससे बात नहीं करना, ये उस जाति का है उससे। अब देखता हूँ कि सारे बच्चे जो मिलकर ट्रेनिंग क्लास करते हैं। मैं एवरी वीक वहाँ जाता हूँ तो मुझे इतनी खुशी होती है कि चलो ये शुरुआत अच्छी हुई है। और मैं कहता हूँ अगर हर गांव में ऐसा हो जाए तो हम तो ये चाइना वाइना हमारे सामने स्पोर्ट्स में कुछ भी नहीं है। क्या बात है सर, ये बहुत बड़ी बात आपने कही। अगर कभी आपको मौका मिले तो मेरे साथ मेरे गांव जरूर चलिए, और सेंटर जरूर देखिए कितना अच्छा वर्ल्ड क्लास सेंटर मैंने बनाया है। क्योंकि मैं चाइना जाता रहता हूँ, मैंने चाइना में देखा है वहाँ हर गाँव में हर जगह सेंटर बने हुए हैं। तो मैंने वो कोशिश की, तो जितना कोशिश थी मेरी तो भाई मैं ज्यादा बड़ा तो नहीं बना पाया, पर वही अगर करीब 2 करोड़ रुपए खर्चा करके पूरी मेरी जितनी भी इनकम गांव की होती है खेती की, मैं सब उसी पे खर्च करता हूँ। क्वालिफाइड कोच रखे हुए हैं वहाँ पर, उनको सैलरी भी देता हूँ और कोई फीस नहीं, फ्री में सब बच्चों को किट भी देता हूँ और उनके लिए ट्रेनिंग भी होती है और बहुत अच्छा इम्प्रूव बच्चे कर रहे हैं। क्या बात है, तो आपके वहीं से ये जो मीराबाई चन्नू है ये वहीं से ट्रेंड है? नहीं, मीराबाई तो ये नॉर्थ ईस्ट की लड़की है। हाँ, बिल्कुल। तो इनके बारे में कुछ बताइए कि कैसे। बेसिकली मीराबाई भी बहुत गरीब परिवार से है लड़की जी, और इसको मैं बहुत छोटे से जानता हूँ बचपन से ही जी। बिल्कुल इनका परिवार बिल्कुल हैंड टू माउथ जैसे होता है, लेकिन इस लड़की में टैलेंट था। देखो भगवान की देन है, वो अब वर्ल्ड चैंपियन बनी जी। और वर्ल्ड चैंपियन अब ये तो चलो अभी ये गेम्स जो है ओलंपिक हट गया, नहीं तो आपको सबसे पहला मेडल इंडिया का मीराबाई का ही आपको देखने को मिलता। वाह क्या बात है, क्या बात है। इसके अलावा हमारे पास टैलेंटेड एक लड़का है जर्मी जी, जर्मी जो यूथ ओलंपिक में जो पहला गोल्ड मेडल लेके आया इंडिया के लिए जी, यूथ ओलंपिक गेम्स में। वो अभी यूथ है लेकिन वो 2024 के लिए बहुत बड़ा टैलेंटेड बच्चा है। दो हजार बीस में 21 में होगा, 21 में आपको एक मेडल देंगे जी। फर्स्ट डे फर्स्ट इवेंट ओलंपिक में मीराबाई का 49 केजी का है। और आपको मैं अगर भगवान को ठीक रखे तो हमारी फाइट सिल्वर से नहीं है, हमारी फाइट गोल्ड से होगी। जस्टिन बहुत बढ़िया सर, ऑल द बेस्ट इसके लिए। और ये सब हम उसके दुआ करते रहते हैं। वो बच्ची बहुत सिंसियर है, अभी वो अपने कमरे में ट्रेनिंग कर रही है, उसको बिल्कुल कमरे में बंद किया हुआ है जी। उसके कमरे में हमने एक वेट लिफ्टिंग सेट रखवा दिया है पटियाला में, तो जिसे थोड़ी थोड़ी वो ट्रेनिंग अपनी करती रहे क्योंकि उसके पास कोई जा नहीं सकता जी। और पीछे लॉन में वो अपना रनिंग वनिंग कर देती है अकेली, सीढ़ियों पे जंपिंग करती है और ये सब कर रही है। वो टैलेंटेड बच्ची है और पटियाला बिल्कुल सेफ है, हमारे कोरोना का वहाँ कोई खतरा नहीं है। पटियाला ने बिल्कुल सील कर दिया है उसको, पटियाला को बिल्कुल सील कर दिया है, कोई भी कोच कोई बच्चा कोई आपस में किसी को कोई नहीं मिल सकता। क्या बात है, तो ये बहुत अच्छा है। तो यादव जी आपने आप बड़े मतलब बड़ा अच्छा लग रहा है आप मुझे ये सुनने में, कितना काम कर रहे हैं आप बच्चों के लिए, क्योंकि ये बागपत मुजफ्फरनगर में अगर आप एक होप बन के आए हैं। वैसे बहुत से टैलेंटेड लोग वहाँ से निकले हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तुराज जिन्होंने गाना लिखा है आयत की तरह, तो बहुत लोग निकले हैं। लेकिन देखिए मैं कहता हूँ आपको, आप इन बच्चों को प्लेटफॉर्म तो दो जी। वही कहने वाला था मैं कि एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। अब जैसे मैं गांव में जाता हूँ जी, तो स्टार्टिंग में तो बड़ी लोग कहते थे लड़कियों को नहीं भेजेंगे, अब देखो सब लड़कियां वहाँ आती है ट्रेनिंग करने जी। और उनके माँ बाप ये कहते हैं मुझे कि पहले इनको हमें उठाना पड़ता था सुबह, उठिए। अब बोला वो बच्चे सुबह 5 बजे उठा देते हैं, क्या आप हमें छोड़ जाइए सेंटर में। तो इतनी खुशी, फिर कोई पहले बच्चे कंचे खेलते रहते थे, कोई पतंग उड़ा रहा है, कोई गिल्ली डंडा खेल रहा है, अब उनको लगन लगी है स्पोर्ट्स में, कोई बीड़ी पी रहा है, छोटे छोटे बच्चे शराब पीने शुरू करते थे गांव में जी। अब गेम से ये बड़ा फायदा है कि कोई भी इन गंदी हरकतों में नहीं पड़ेगा। और हमने भी एक गांव की शुरुआत की है
लेकिन मैं धीरे धीरे इसको बढ़ा रहा हूँ। हमारे मेरे गांव में आए थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है श्याम सिंह यादव जी, जो अभी इसी उसमें जीते हैं जी। तो वो उस सेंटर को देखकर बहुत प्रभावित हुए, उन्होंने कहा भाई मेरे गांव में भी सेंटर बनवाओ। अच्छा ग्रेट। तो उन्होंने बिल्कुल मुझे कहा कि जो पैसे होंगे मैं दूंगा। हमने वहां भी इक्विपमेंट भेज दिया है, जौनपुर के रहने वाले हैं वो। अच्छा, तो जौनपुर में गांव में वहां भी हम सेंटर ही बना रहे हैं सर। तो ऐसे ऐसे लोग आगे आ रहे हैं, तो सब लोग आगे आएंगे तो बनेगा। सही बात है सर। एक बस एक दिशा दिखाई है आपने, और अब जो जागरूकता है वो भी एक होता है ना सर, कि अगर कोई कर रहा है तो लोग जागरूक भी होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि कोई करता नहीं है पहले, तो आपने कोई करता नहीं है, सबको करना चाहिए। क्योंकि ये देखो गेम बहुत महंगा गेम है, इसमें आपको पहले तो इंडोर चाहिए, फिर प्लेटफॉर्म चाहिए, प्लेटफॉर्म भी करीब 1,00,000 रुपया एक है, फिर इक्विपमेंट चाहिए बहुत महंगा है, फिर मशीनें चाहिए सारी एक्सचेंज करने के लिए। अभी आपको मैं बताऊं कि जो मैंने जब मुझे ये दिखा के बच्चों को फील्ड चाहिए एक्सचेंज के लिए जी। तो मैंने अपने गांव में ही एक किसी से एक जमीन किराए पे ली जी, और वो उन बच्चों के लिए मैंने स्टेडियम बना दिया। उसका किराया मैं दे रहा हूँ। अब आप देखिए जिसकी जमीन है उसके बच्चे भी ट्रेनिंग करते हैं। अच्छा। तो फिर भी मैं किराया देता हूँ। हाँ, करीब 4 फीट की जमीन है, उसमें पूरा उनका ट्रैक बना दिया, वॉलीबॉल के लिए, जंपिंग के लिए, ये सब मैंने बनाया है गांव में। तो अब बच्चे इतने बच्चे वहाँ आ गए कि मुझे जगह कम पड़ रही है, लेकिन मेरी बहुत जमीन है वहाँ पर। मैंने बोला मैं अपनी और जमीन में ही बना देता हूँ, पर ये बच्चे कम से कम गंदी आदत छोड़ के गेम तो शुरू करें। तो यश जी, ये देखिए आजकल लॉकडाउन चला हुआ है, तो इसने आपका शेड्यूल और बच्चों का जो एथलीट है उनका शेड्यूल को बिगाड़ दिया, तो कैसे आप अपने नहीं, देखो दरअसल ये क्या ही, तो इतना तो हम लोगों को करना पड़ेगा। हमें गेम के साथ साथ बच्चों की जिंदगी भी बहुत प्यारी है। बिल्कुल। और अगर मान लो हम थोड़ा बहुत डिले हो गए हैं, मान लो 1 महीने का शेड्यूल या 2 महीने का शेड्यूल उनका खत्म हो जाता है, तो उसके लिए हमने उनके इंतजाम कर दिए हैं कि उनको जैसे हॉस्टल की सीढ़ी है जी, उस पर जंपिंग करेंगे, लेकिन वो अकेले करेंगे, साथ नहीं करेंगे। वो मीरा भाई जी, मेरे पास फोटोज भी हैं, तो उसने मुझे कल ही मुझे भेजी है वीडियो, तो ग्राउंड में वो डंडे लगा के जंपिंग कर रही है, सीढ़ियां चढ़ रही है, उसके बाद वो उसके रूम में सर का खाली, ऐसे सब बच्चे कर रहे हैं, लड़के भी कर रहे हैं अपने हॉस्टल में अलग अलग करके। उनको अलग रहना भी बहुत जरूरी है, और ग्रुप में नहीं, अकेले अकेले कर रहे हैं। तो जो ओलंपिक के प्रोग्राम है खाली वही वहां पर है हॉस्टल में, और कोई नहीं है, सब बच्चे सबको घर भेज दिया हमने। तो उनके लिए वो ट्रेनिंग है थोड़ी कम हो रही है, पर हाँ ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही, वो अपने बच्चे अपने अकेले कर रहे हैं, कोच उनको फोन पर शेड्यूल बताता है जी। हाँ, कोच के पास उनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करता है, सबके पास इक्विपमेंट है, सबने ये साई ने सारा ये इनको लैपटॉप और ये सब ये आईपैड वगैरह दिए हुए हैं वहाँ पर जी जी जी। और उससे मेरा कोच इनकी ट्रेनिंग देखता है, उनको ट्रेनिंग शेड्यूल बताता है, उनसे अकेले में कराता है वो, उसके साथ कोई दूसरा शेयर नहीं करेगा। सबके शेड्यूल अलग अलग बना दिए कि तुम 6 बजे करोगे, तुम 7 बजे करोगे, तुम 8 बजे करोगे, अलग अलग करेंगे सब जी। सर एक और बात है कि जैसे जो जागरूकता है खेलों के प्रति, अभी भी हमारे यहाँ पे वही मेंटेलिटी है कि भाई सुबह उठ ले, पढ़ ले, अपने कुछ काम कर ले, और फिर कर रही भाई सरकारी नौकरी करेगा तो बढ़िया रहेगा। ये खेलों की तरफ जो है अपने बच्चों को नहीं ले जाते, तो अभी मैं बता रहा हूँ आपको, जब मैंने अपने वहाँ शुरू किया था तो लोगों ने बड़ा ये कहा था कि नहीं जी खेल कूद से तो गवार बनेंगे, सब बनेंगे। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं है कि खेल कूद से आजकल देखो कितनी नौकरियां, मैंने उनको गिनवाया कि कितनी नौकरियां मिलती हैं, कितना पैसा मिलता है, आप बताइए। खेल के साथ साथ पढ़ाई भी करेंगे, लेकिन खेल पढ़ाई के साथ साथ अगर खेल होगा तो नौकरी एकदम मिल जाएगी जी जी जी। अगर आप कोई बच्चा नेशनल में पास आउट कर गया तो उसको कम से कम रेलवे में क्लास 3 की नौकरी तो कहीं नहीं देगी उसको, रेलवे, पुलिस, आर्मी है लड़कों के लिए, FCI है, तो इस सब में नौकरियां मिल रही है। जब हमने बताया तो जब मैंने वहाँ ओपनिंग में कोई नेता नहीं बुलाया वहाँ पर जी, मैंने मीरा भाई चानू और जितने भी कॉमनवेल्थ के गोल्ड मेडलिस्ट थे
वो सारे अपने गांव में बुलाए और उनको कॉस्ट्यूम पहना के ट्रेनिंग करा के प्लेटफॉर्म रखा रोड पे, पूरे क्षेत्र के औरतों को और आदमियों को दिखाया कि ये लिस्टिंग होती है और सबको इंट्रोड्यूस कराया कि देखो ये रेलवे में इसको इतने पैसे मिलते हैं, इसको एक करोड़ मिले, इसको एक करोड़ मिले, जरिए की ट्रेनिंग कराई, सबको दिखाया। तो इतनी जागरूकता आ गई उनमें कि नहीं अब ठीक है, अब बच्चे सुबह आते हैं 5 बजे ट्रेनिंग करते हैं, फिर स्कूल भी जाते हैं, स्कूल से आते ही वो 4-5 बजे फिर आ जाते हैं। बहुत बढ़िया, एक नई उम्मीद को दीजिए। बिल्कुल, और इतना डिसिप्लिन गांव में हो गया है कि कोई आदमी गांव में कचरा भी नहीं फेंक सकता, कुछ छूट भी नहीं सकता, बच्चे उसको बच्चे एकदम समझाते हैं कि यार आप ऐसा मत करिए, हम उनको सिखाते हैं कि आप ऐसा लोगों को मत करने दो। तो मेरे गांव में आप जाके देखो कि इतना डिसिप्लिन है कि सब बच्चे किसी को कुछ गंदगी नहीं करने देते वो। अरे वाह क्या बात है। उससे पहले मैंने नाडा को रिक्वेस्ट की, नाडा की पूरी टीम वहां पर गई और सबको उनके माँ बाप को सबको बच्चों को इकट्ठा करके उनके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम कराया गांव के लिए। जी सर, अब उनको समझाया। जी सर, ये बहुत अच्छी पहल है आपकी। तो यादव सर, अब बात करते हैं जैसे कि ये टोक्यो ओलंपिक हो गया, ये ऑलरेडी पोस्टपोन हो गया है, तो इसके बारे में आपकी ओपिनियन कि कुछ बच्चों की ट्रेनिंग इफेक्ट होती हुई है, एथलीट्स हैं उनकी ट्रेनिंग इफेक्ट हुई है, दोबारा करनी पड़ेगी? इफेक्ट तो हुई है क्योंकि ओलंपिक का जो शेड्यूल था वो उसी हिसाब से सब ट्रेनिंग कर रहे थे और स्पोर्ट ऐसा नहीं है आदमी की पीक रोज आ जाएगी, आदमी की पीक किसी भी बच्चे की पीक लाने के लिए उसका शेड्यूल बनाना पड़ता है इस साल के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये शेड्यूल तो वो शेड्यूल चल रहा था, अब वो ब्रेक हो गया, अभी हमारे पास एक साल का टाइम फिर मिल गया हमें। अब ओलंपिक अगले साल होगा तो उसके हिसाब से दोबारा शुरू हो जाएगा शेड्यूल। थोड़ा इस फर्क तो पड़ा है पर ये बहुत जरूरी था, नहीं तो ये तो जिस हिसाब से बाकी कंट्री में फैल रहा है हमें तो देख के डर लग रहा है कि हमारे कंट्री में ये होगा क्या आगे। सर एक छोटा सा सवाल और है कि जैसे वेट लिफ्टर्स होते हैं तो इसमें इंजरी वगैरह भी काफी हो जाती है इस गेम में, तो जो मतलब व्हाट आर द वेट लिफ्टर्स डूइंग टू अवॉइड इंजरीज एट दिस स्टेज? देखो वेट लिफ्टिंग एक पावर गेम है, अब जैसा हमारी मीराबाई 59 kg की है और वो 120 kg की जर्क मारती है, तो 59 kg की लड़की 120 kg की जर्क मारेगी तो वो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो बनना पड़ेगा। बिल्कुल, तो उसके लिए हमारे पास बहुत साई ने हमने जो भी मशीनें डिमांड की है तो टोटल हमें गवर्नमेंट ने स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने सब प्रोवाइड की हुई है हमारे वेट लिफ्टिंग हॉल में, वो स्पेशल मशीनें सब आई हुई है, उनसे बच्चों की वो एक्सरसाइज होती है कि जिससे उनको इंजरी कम हो और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। उसके बाद हमारे पास फिजियो भी है, सोना स्टीम है और पूरा फैसिलिटी है, ऐसी बात नहीं है। फिर भी इंजरी होती है, कई बार थोड़ा गलत एक्शन हो गया तो इंजरी हो जाएगी, लेकिन उसका ट्रीटमेंट भी फिर हम लोग तुरंत हो जाता है, पीजीआई में रेफर कर देते हैं, वहाँ डॉक्टर्स हैं, जहाँ भी जरूरत पड़ती है चाहे बॉम्बे भेजना पड़े, गवर्नमेंट इस मामले में पीछे नहीं है, बिल्कुल एकदम पूरा फुल सपोर्ट रहता है हमारा। वाह क्या बात है सर। ये वेट लिफ्टिंग फेडरेशन जो है ये किस तरह से, मतलब अब इनका डाइट का भी अलग से प्लान रहता होगा, तो ये कैसे मतलब जो एज के हिसाब से डाइट और डाइटिशियंस को आप मतलब थोड़ा सा डाइट के बारे में बताएंगे? जो डाइट तो इसमें देखो इसमें डाइट बहुत हेवी डाइट लेनी पड़ती है जी, और डाइट ऐसे भी लेनी पड़ेगी कि बच्चे का बॉडी वेट क्या कहीं चेंज ना हो जी। तो मीरा जैसे मीरा भाई 49 kg में है तो उसका 50 kg बॉडी वेट थोड़ी हो गया तो फिर नहीं कर पाएगी वो, 49 से नीचे ही होना चाहिए। ओके, अगर 1 gram भी फालतू हो गया तो अपने इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। तो बड़ा फिक्स डाइट रहता होगा एंकर की, तो उनका डाइट हो उन्हें बिल्कुल ऐसी डाइट दी जाती है कि जिससे उनकी पावर बनी रहे और उनको प्रोटीन पूरा मिले, वो हम सब उनको देते हैं। हम सब दिल्ली से काफी डाइट भी भेजते हैं, अपनी पर्सनल बच्चों के लिए भेजते हैं, फिर साई भी वहाँ डाइट बहुत अच्छी दे रही है। अब साई में बहुत चेंजिंग हो गया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी में डाइट बहुत अच्छी मिल रही है उनको और उसी हिसाब से वर्कआउट होता है। जो हैवी कैटेगरी के हैं उनको डाइट थोड़ा दूसरी मिलती है और जो लो कैटेगरी के हैं उनको थोड़ा डाइट दूसरी मिलती है, अलग अलग सबका हिसाब चलता है। यादव सर एक और बात यहाँ पे है कि ओलंपिक जो है वो अगले साल है, तो आप देख सकते होंगे आप की वो आते हैं जो आप मेडल्स देख लेते हैं, तो आप कितने मेडल कितने गोल्ड मेडल अगले साल देखते हैं सर ओलंपिक?
नहीं, मैं अपने वेट लिफ्ट में एक मेडल देख रहा हूँ इस बार 2024 में। हम दो तीन तीन चार देख सकते हैं, हमारे पास छोटे बच्चे बहुत अच्छे हैं। और बाकी गेम का देखो, मुझे इतना मैं कुछ नहीं कह सकता कि बाकी गेम भी, पर मेडल आएंगे, पहले से मेडल ज्यादा आएंगे, पहले से मेडल ज्यादा आएंगे, ये पक्का है। सर अब कुछ अपने बारे में, कुछ पर्सनल, अपनी जो आपकी लाइफ है, आपका शेड्यूल है, और जब आप खेलों में आए तो इस थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि आपका जो कैरेक्टर है वो बड़ा इंस्पायर करता है। तो मैं बेसिकली कि मैं बिल्कुल देहाती हूँ, और गांव से जब आया तो मुझे पता, मैंने सोचा कि ये गांव से जो बच्चे हैं इनको अगर गेम करना है तो गेम करना इतना आसान नहीं है, उनको किट भी चाहिए, इक्विपमेंट भी चाहिए, सही है। तो जब हमने, जब हम सब देखते थे दिल्ली में जो नौकरी लगी कस्टम्स में हमारी, वो भी हमारी स्पोर्ट्स कोटे में लगी, तो हमने उस टाइम भी अपने गांव में जो हमें कुछ अब हमसे कुछ पैसे बचते थे, फिर हम अपने घर में भी अपने साऊ चाचा को बोलते थे भाई खेती में से कुछ पैसा निकालो, तो अपने बच्चों को डाइट दो, इनको हम उनको बताते थे कि दिल्ली में लोग ऐसा करते हैं तो आप भी ऐसा करो। वाह क्या बात। तो फिर जब मेरी जब मैं सर्विस में ये जब मैं फेडरेशन में आया तो मैं दोनों काम नहीं कर सकता था जी। ना क्योंकि मैं अगर मान लो फेडरेशन में बिजी रहता हूँ, ये फुल टाइम जॉब है, तो मैं अपनी जॉब को अच्छे से नहीं कर पा रहा था कस्टम की जॉब को। तो फिर मैंने जीआरएस लिया जी। मैंने गेम की सेवा करना उचित समझा, नौकरी मैंने जीआरएस लेके छोड़ दी थी। यादव सर, आपका रोल मॉडल कौन है आपकी जिंदगी में? आपने इतने कदम उठाए, आप डरे नहीं, रिस्क आपने लिया, और आप आज बच्चों की जिंदगी मेरा रोल मॉडल मेरे सबसे बड़े भाई करण सिंह यादव, जो इस दुनिया में नहीं है, वो थे। वो भाई भी मेरे बहुत अच्छे कबड्डी के प्लेयर होते थे, और वो एग्रीकल्चर में डिपार्टमेंट में यूपी में सर्विस करते थे। जब मैं पढ़ता था मेरे में हॉस्टल में कॉलेज में, तो जब भी वो आते थे तो मुझे पूरा उस टाइम पे 5 किलो बादाम 10 किलो घी ऐसे दे के जाते थे हॉस्टल में कि तुम गेम करो। उन्होंने मुझे शुरू कराया गेम। और जब तक अभी पिछले 2-3 साल पहले उनकी डेथ हुई है, इतना इंटरेस्ट लेते थे गेम के बारे में। अभी वो कैंसर से पीड़ित थे और बड़ी बुरी हालत थी उनकी, बेड पे थे, उठली तो खेलो इंडिया जब दिल्ली में हो रहा था जी। तो मुझे पूछते थे तुम जो खेलो इंडिया देख रहा हूँ टीवी में, तो मैं भी देखना चाहता हूँ, मेरी गाड़ी बैठे वहां पे। मुझे आश्चर्य लगा कि जो आदमी 10 मिनट नहीं बैठ सकता था, उन्होंने 5 घंटे वो बैठ के खेलो इंडिया का गेम देखा। और वो फिर कह रहे अगले दिन फिर बोले मुझे लेके जाओ। तो इतना उन्होंने मुझे हौसला मुझे दिया है, उनसे मुझे बड़ा हौसला मिलता था। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा, आपका फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन कौन है सर? ये तो फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन को जो एक आदमी नहीं है, एक नहीं है, मेरे लिए जो भी स्पोर्ट्समैन टॉप पे जा रहे हैं वो मेरे सारे फेवरेट हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मतलब किसी एक का नाम नहीं देंगे? नहीं, एक का नहीं लूंगा। मुझे मेरे लिए वो सारे फेवरेट हैं जो इंडिया का नाम, अपने भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, जो मेडल है, चाहे कॉमनवेल्थ में हो, चाहे एशियन में हो, चाहे ओलंपिक में हो, चाहे वो क्रिकेट में हो, चाहे टेनिस में हो, कहीं भी हो, जो भी नाम रोशन हमारे देश का कर रहे हैं, वो सारे मेरे फेवरेट हैं जी। शरद यादव जी, एक और सवाल यहाँ पे, मतलब सवाल क्या, मतलब एक छोटी सी बात है कि जो बच्चे खेलों में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो यूथ खेलों में आना चाहता है, लड़के लड़कियां, उनके लिए आपका क्या पर्सनल मैसेज रहेगा? मेरा उन सबको ये पर्सनल मैसेज है कि अगर आप गेम करना चाहते हैं तो पहले तो अपने आप को ये देखें कि मैं किस गेम में फिट हो सकता हूँ। अगर आपकी हाइट ज्यादा है तो आप एथलेटिक्स में जाइए, वॉलीबॉल में या बास्केटबॉल में जाइए। लंबी हाइट का ज्यादा बच्चा जो होगा वो वेट लिफ्टिंग में ज्यादा कामयाब नहीं होगा। वेट लिफ्टिंग जैसे गेम है तो छोटी हाइट के बच्चे चाहिए। तो उनको फिर जो हमारे पास कोचिंग की कमी है, हमारे पास उनको बताने वाले लोगों की कमी है, हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है। जब मैं गांव जाता हूँ तो उनकी छटनी करता हूँ,
उनकी छट्टी करता हूँ, उनको बोलता हूँ आप एथलेटिक छोड़ के आप एथलेटिक करिए। कितने बच्चे मैंने वहां से निकाले जो कोई शॉर्ट फुट कर रहा है, कोई हैमर थ्रो कर रहा है। मैं हैमर थ्रो करता था जब, तो मेरे गांव में हैमर थ्रो के अभी आप शाम को जाएंगे 100 बच्चे हैमर थ्रो कर रहे होंगे वहां पर। तो उनको उनको बताने वाले नहीं है, कोच नहीं है हमारे पास। जब तक आप देहात में इक्विपमेंट और कोच नहीं देंगे तो गेम आगे कैसे बढ़ेगा। अगर छोटे बच्चे की टेक्निक अगर खराब हो गई तो उसको फिर आपको ठीक करने में बहुत टाइम लगेगा और वो ठीक हो भी नहीं पाएगी। स्टार्टिंग जो आपकी स्टार्टिंग है ना वो अच्छी होनी चाहिए। अब खेलो इंडिया से हमें मिल रहे हैं बच्चे, थोड़ा इसमें गवर्नमेंट काफी सेंटर बना रही है खेलो इंडिया के लिए, तो इससे टाइम लगेगा पर फर्क पड़ेगा, गेम बहुत इम्प्रूव करेगा। उसमें छोटे बच्चे आ रहे हैं सर। जी सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और मैं चाहूंगा कि आप एक बात, जो पेरेंट्स हैं जो कहते हैं कि बच्चों को और लड़कियों को खासकर कि तू चूल्हा चौका करेगी, खेलों में क्या रखा है? वो भावना वो मैंने बदल दिया था, अपने गांव में बदल दिया मैंने। जी अभी अब हर माँ कहती है कि मेरी बेटी को ट्रेनिंग कराओ, और पूरा देश में ऐसा होना चाहिए, कम से कम हर ब्लॉक में ऐसा हो जाए। और ये तो गवर्नमेंट कर सकती है, मेरे पास इतना है नहीं। मैंने अपने गांव में किया तो मेरे जैसे मैं मेरे मुझे देख के एमपी साहब ने किया है, ऐसे उनको देख के कोई और करेगा तो ये बढ़ेगा धीरे धीरे। क्या बात है। ऑल द बेस्ट सर, और आपके थैंक यू वेरी मच जज्बे को सलाम करता हूँ। बस अंत में सर एक एंडोर्समेंट दे दीजिए आप कि हेलो नमस्कार, मेरा नाम तहदीज यादव है, इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन सेक्रेटरी जनरल हूँ मैं, और आप सुन रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लैशेस रेडियो। हर खेल की हर परत को खोलता है ये प्रोग्राम, जिसमें हिस्ट्री भी है और केमिस्ट्री भी, जो बताएगा अपर कट और स्क्वायर कट में डिफरेंस, जो क्लासिक भी है और क्लासिकल भी, हर खेल के हर एस्पेक्ट की पूरी कहानी सुनिए ऑपरेशन स्पोर्ट ओनली ऑन स्पोर्ट्स फ्लैशेस, द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्पोर्ट्स रेडियो चैनल।